राधे कृष्णा उन्नति कृष्णा बुटीक में मैं आपका स्वागत करती हूँ ये देखिए आज की वीडियो में हम बनाएंगे छः और सात नंबर के लड्डू गोपाल के लिए पगड़ी और ये कलंगी लगाई है हमने इसमें अगर आपको ये पगड़ी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें आशा करती हूँ वीडियो को एक बार आप पूरा जरूर देखें तो चलिए हम बना लेते हैं इस पगड़ी को कैसे हमने बनाई है ये देखिए पगड़ी बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है ये अस्तर का कपड़ा लिया है ये कपड़ा लिया है हमने पगड़ी के लिए पट्टी बनाएंगे इसमें से और इसकी हम लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं इसकी चौड़ाई मैंने रखी है ढाई इंची और लंबाई हम देखेंगे इसकी लंबाई इसकी छत्तीस इंची है देखिए अब मैं कार्डबोर्ड को आपको नाप के दिखाऊंगी सात नंबर तक के लड्डू गोपाल के लिए मैं इसको बना रही हूं छे और सात के दोनों को आ जाएगा आराम से छः इंची मैंने लंबाई रखी है आधा इंची मैंने एक्स्ट्रा लिया है कार्डबोर्ड को और दो इंची इसकी चौड़ाई रखी है अब हम डेढ़ इंची पर निशान लगाएंगे दोनों साइड में अब एक सीधी लाइन खींच लेंगे अब हम इसको फोल्ड करेंगे बीच में से ज्यादा टाइट फोल्ड नहीं करना है इसको नहीं तो टूट जाएगा खराब हो जाएगा हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है अब हम पौना इंची पर निशान लगाएंगे ऊपर की साइड में ये देखिए मैं इस तरीके से निशान लगा रही हूं अब हम एक इंची पर निशान लगाएंगे और इन दोनों को इस तरीके से हम मिला लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे कि देखिए मैंने ये कॉर्नर से निकाल दिए हमने इसको कट कर लिया है अब हम इसके ऊपर से कट करेंगे जो डेढ़ इंची हमने छोड़ा है एक्स्ट्रा ये देखिए आधा इंची एक्स्ट्रा है उसको हमने कट कर लिया है अब हम इस तरीके से कट करेंगे इसको ये देखिए मैंने कट कर लिया है अब फेविकॉल लगाएंगे हम और इसको अस्तर वाले कपड़े पे चुपका देंगे ये देखिए हम इसको चुपका देंगे ये देख हमने चुपका दिया है अब हम फेविकोल लगा रहे हैं इसमें अब कपड़े को हम कट करेंगे ताकि जो गुलाई की जगह पे से हमारा कपड़ा आराम से फोल्ड हो जाए ये देखिए इस तरीके से हम खींच के इसको चुपकाएंगे जहां से हमारा कपड़ा ये से फूल रहा है उस जगह से काट देंगे ये देखिए आराम से चिपक गया ये तो चलिए मैं चिपका लेती हूं इसको ये देखिए कपड़े को मैंने चिपका दिया जो जगह बची है उसमें भी हमने छोटा सा पीस लगा दिया है अब हम इसको सुखाने के लिए रख देंगे ये मैंने पट्टी के लिए कपड़ा लिया है हम इसको डेढ़ इंची पर सिलेंगे डेढ़ इंची की मुझे पट्टी बनानी है सिलने के बाद तो चलिए मैं इसको सिल लेती हूँ और सिल के प्रेस कर लेती हूँ ये देखिए मैंने सिल लिया पूरी पट्टी अब हम इसको सीधा करेंगे सीधा करने के बाद जो सिलाई है हम इसको बीच में रखेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे ये देखिए हमारा ये मुख का पीस सूख चुका है अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको और जो कटिंग करी है हमने इसको हम अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया अब हमने ये एक सर्कल बनाया है इसके ऊपर भी हमने अस्तर वाला कपड़ा चिपकाया है ये देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई पौने दो इंची है सर्कल आप बड़ा ही काटें और इस तरीके से नाप के देख लें रख के अगर बड़ा लगे तो उसको बाद में छोटा कर सकते हैं हम छोटे को बड़ा नहीं कर सकते तो इसलिए छोट बड़ा ही लेना चाहिए ये देखिए मैंने पट्टी को प्रेस कर लिया है सिलने के बाद ये देखिए बिल्कुल आधा इंची ही बनी है हमारी पट्टी अब हम ग्लू लगाएंगे ये देखिए इस तरीके से अब मैं इस तरीके से इस सर्कल को लगाऊंगी इस तरीके से लगाना और ज़्यादा आसान लगा मुझे तो मैं इस तरीके से लगा रही हूं देखिए ये देखिए सर्कल अब हमने ये आधा इंची कपड़ा रखा है एक्स्ट्रा ये देखिए मैंने यहां से कट कर दिया था ऊपर से जो आधा इंची हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है वो उसके ऊपर चुपका दिया है कार्डबोर्ड को अब हम ग्लू लगाएंगे इस तरीके से और ये ऊपर की कटिंग जो है इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे दबाएंगे और चिपका देंगे ये देखिए अब हम इसके ऊपर एक कपड़ा लगाएंगे मुझे ग्रीन कलर से पगड़ी बनानी है तो मैं ग्रीन कलर ही ऊपर लगाऊंगी जिस कलर से हमें पगड़ी बनानी है उसी कलर को हम ऊपर लगाएं ये देखिए और मैं इसको चिपका दूंगी चारों साइड से कट कर लेती हूँ मैं इसको गुलाई में ये देखिए अब हमारा कार्डबोर्ड का वेस्ट बन के एक तैयार है अब हम इसकी पगड़ी बनाएंगे ये देखिए मैं इस जगह पर अपनी पट्टी को लगाऊंगी ये देखिए इस तरीके से हम ग्लू लगाते जाएंगे और पट्टी को अच्छे से सेट से करते जाएंगे ये देखिए अब हम इधर नीचे करेंगे इसको पट्टी को अब थोड़ा सा हम ऊपर ले जाएंगे इसको ये देखिए अब थोड़ा सा हम ऊपर की साइड में करेंगे पट्टी को अब हमारी पट्टी नीचे को हो जाएगी ये देखिए हम अब फ्रंट साइड में आ गए हैं ये देखिए पट्टी को हमें किस तरीके से क्रॉस करना है सामने ज्यादा हमें ध्यान देना है जो हमारी पट्टी क्रॉस हो वो एकदम सुंदर और अच्छी लगे गिनती में दूर से दिखे बहुत अच्छी लग रही है, है। ये देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए तो चलिए हम बना लेते हैं इस पगड़ी को जितनी बार हम पगड़ी बनाएंगे उतनी ही बार हर बार हमारा हाथ साफ होगा हर बार अच्छे से हमारी पगड़ी में और सफाई आएगी ये देखिए ये देखिए हमारी पगड़ी बन चुकी है अब देखिए पगड़ी के ऊपर जहाँ पे हमारी पट्टी नहीं नहीं लगी है वो जगह रह गई है और एकदम कलर से कलर मिल रहा है जो हमने कपड़ा ऊपर लगाया है तो ये कपड़ा लगाने से ये फ़ायदा है कि हमारी पगड़ी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पर पट्टी लगी है या नहीं लगी है ये देखिए ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल की पगड़ी बन के तैयार है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें राधे कृष्णा